नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नल का नया कनेक्शन लगवाने के लिए आपको किस तरीके से आवेदन करना है, कहां से आप आवेदन कर सकते हैं, उसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी नल लगवाना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसका आवेदन कहाँ से करना होता है, या फिर अगर आप सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आप उसके लिए भी इसे सीख सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नल का कनेक्शन लगवाने के लिए आप दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं। पहला तो आप ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स के पास ई डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो वो वहां से उसका आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो वो सीधा यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से आप सीधा जो है इसे ओपन कर लीजिए। और देखिए अगर आप यहाँ से भी इसका लिंक देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसका लिंक देख लीजिए और इस वेबसाइट पर आ जाइए। जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ढेर सारी सर्विसें हैं जिसमें से आपको यहाँ पे वाटर कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कहाँ है वाटर कनेक्शन, तो चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन वाटर कनेक्शन, आपको क्या करना है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई, आपको यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। अप्लाई पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले लॉगिन करने को बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बना होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्टर करने के लिए बताया गया है किस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप नीचे चले आइए, जब आप नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको एक फॉर्म दिया हुआ है जिसको भर के आप यहाँ पे अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं और अपने आप को यहाँ पे जो है रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद देखिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है और अब आपको जो है यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और नीचे अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने बनाया है और इसे लॉगिन कर लीजिए। तो चलिए मैं सीधा लॉगिन करता हूँ और आपको इसका फॉर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके सामने इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अपनी बेसिक सारी डिटेल्स दे देनी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हाउस ओनर का नाम क्या है, यानी कि मकान मालिक का नाम क्या है, उनके फादर या हस्बैंड का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे भर देना है, प्लॉट हाउस नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए गली सड़क का यहाँ पे आपको नाम भर देना है, यहाँ पे देखिए पूरा एड्रेस आपको भरना है, यहाँ पे 3 लाइनें दी गई हैं तो इनमें आपको कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। दोस्तों आपको स्टार मार्क का ध्यान रखना है, जिन पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको सही से भरने हैं, नहीं तो आप आवेदन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद देखिए नीचे आपका एड्रेस अगर सेम है कम्युनिकेशन एड्रेस तो आप यहाँ पे चकमक लगा दीजिए और दोनों एड्रेस आपके सेम हो जाएंगे, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप अपने दोनों एड्रेस अलग अलग यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कनेक्शन का विवरण यानी कनेक्शन का प्रकार रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप टेम्प्रेरी चाहते हैं या परमानेंट चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कनेक्शन की आवश्यकता क्यों है तो आपको यहाँ पे वो बताना है तो आप यहाँ पे वो बता दीजिए। इसके बाद देखिए प्लॉट एरिया क्या है आपको यहाँ पे वो डाल देना है। इसके बाद देखिए नीचे आना है और यहाँ पे कनेक्शन की कैटेगरी क्या आती है तो कनेक्शन की कैटेगरी आपको यहाँ पे चुन लेनी है। इसके बाद देखिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे देखिए एग्री करना है, और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी की आईडी देनी है। दोस्तों ये प्रॉपर्टी की आईडी वो होती है जो नगरीय निकाय द्वारा यानी कि नगर पालिका द्वारा आपको यहाँ पे दी जाती है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद देखिए आप नीचे चले जाइए तो यहाँ पे आप चुन लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, आप वोटर आईडी है तो वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड या पासपोर्ट या आधार कार्ड कुछ भी चुन सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है एक जो है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज में से चुनना है, तो आपके पास क्या है आप वो यहाँ पे चुन लीजिए। आपका रेंट एग्रीमेंट है, ठीक है, आपके को पट्टा हुआ था तो उसका आपके पास कोई प्रूफ है, या आपके पास रजिस्ट्री है तो आप यहाँ पे वो चुन लीजिए। इसके बाद देखिए आपको इसे अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दीजिए और फॉर्म को जो है यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा
और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रैक एप्लीकेशन पे ट्रैक करके आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस पता करते रहना है कि आपके आवेदन की क्या स्थिति है। और जैसे ही आपका आवेदन कम्प्लीटली हो जाता है तो यहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, जो भी आपका ऑर्डर का कनेक्शन है वो आपका सेटअप कर दिया जाएगा और आपको इसकी पूरी जानकारी जो है दे दी जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी वाटर कनेक्शन लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।